हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। जो भी ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिसने भी पहले से कर रखा है थैंक यू सो मच। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी हो चुकी है शाम और हम करने जा रहे हैं रात के खाने की तैयारी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही बना ली जाए सब्जी। तो चलो किचन में चलते हैं और सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। चलो शुरू करते हैं सब्जी बनाना, सब्जी की तैयारी करना। सबसे पहले हमारे पास है बैगन, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैगन। मतलब भरवा बैगन क्या, हम लोगों का ऐसा होता है कि हम जब भी ऐसे कोई सब्जी बनाते हैं सब भरवा अगर हम बना रहे तो बिल्कुल शादी स्टाइल बनाएंगे कि पूरे तवे में भरवा ही भरवा जैसे होता है शादी में। अलग अलग चीजों का तो वैसे ही बनाते हैं। तो बैगन, शिमला मिर्च, प्याज, हाँ इसका हम भरवा बना रहे हैं। सबसे पहले बैगन को, और हाँ भिंडी भी, मम्मी कह रही भिंडी नहीं बताया, भिंडी भूल गई थी मैं। तो चलो पहले इनमें कट लगा लेते हैं, फिर करते रहते हैं आगे को अपना कार्यक्रम। आप लोग बताओ कि जब आप शादियों में जाते हो तो जो भरवा वाला जो तवा होता है, मतलब भरवा वाला मतलब जो होता है जिसमें भरवा सब्जियां होती हैं, तो उसमें से आप क्या लेते हो, क्या खाना प्रेफर करते हो। तो बैगन मैंने तैयार कर लिए हैं ऐसे चीरा मार के। मतलब मैं कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही बता दे रही हूँ। उसके बाद अब हम काटते हैं शिमला मिर्च। अलग अलग वैरायटीज की सब्जियां हो गई हैं, शिमला मिर्च, बैगन, प्याज और भिंडी का भरवा। चलो अब उनको फ्राई कर लेते हैं, टाइम नहीं है, फटाफट। तो तैयार हो चुकी है हमारी सब्जी, अब हम खाना खाते हैं। पता नहीं कैमरे में इतना अजीब सा कलर क्यों, मतलब अजीब सा नहीं पर थोड़ा अलग सा कलर आ रहा है, जो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ, वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, और साथ में बूंदी का रायता। देखो आज हम लोगों को शादी में तो नहीं जाना था, पर एक अलग सी कुछ नई सी बारात देखने को मिली है, तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना, मतलब आप लोगों को भी दिखाया जाए। अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कभी देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ आंटी लोग आ रहे हैं, इन लोगों का गेटअप थोड़ा वैसा लग रहा है जैसे हम जौहर महोत्सव में जाते हैं ना, तो वहाँ आंटी लोग उसी टाइप का थोड़ा बहुत गेटअप भी रहता है। मतलब जो वैसे होते हैं प्रोग्राम करने वाली जो आंटी लोग होते हैं, और जो उनका ट्रेडिशनल वेयर जो होता है वो उस टाइप का लग रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है बारात में, सब लोग एक जैसा डांस करते हुए पूरी लाइन से जा रहे हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में कुछ। तो इन लड़कों को देख कर कैसा लग रहा है कि ये इस कल्चर से इतना फैमिलियर नहीं है, और ये दूल्हे के मे भी दोस्त वगैरह हों, क्योंकि ये वैसे डांस नहीं कर पा रहे हैं। ये देख के ऐसा फील नहीं आ रहा है जैसे झांकी निकल रही होगी, जैसे हमारी घूमतियाँ त्यार में जो झांकियाँ निकलती हैं उस टाइप की, सब अलग अलग उसमें गेटअप में है, पर अच्छा लग रहा है जो भी है। आप लोग पीछे ट्रैफिक देखो, पता नहीं ट्रैफिक है या इन्हीं लोगों की गाड़ियां हैं पूरा। पूरा यहां से गाड़ियां देख लो आप जरा, ऐसा लग रहा है अभी कहीं से ट्रैफिक छूटा होगा, मे भी शायद कहीं हल्द्वानी के बाहर से होंगे ये लोग, इसलिए इतना ज्यादा गाड़ियां हैं। देखो जो बारात है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है,
यहाँ से पूरी गाड़ियों की लाइन है और ये पूरी गाड़ियों की लाइन जहाँ तक पूरी रोड नजर आ रही है वहां तक है। अब ये नहीं पता कि ये सारे बरेती वाले लोग हैं या कुछ ट्रैफिक में फंसे लोग भी हैं। तो चलिए अब हम लोग भी चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल एक बहुत मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वी लव यू ऑल, बाय बाय।